दिल्ली में स्कूलों को बिल्डिंग बनाने को लेकर हुए भ्रष्टाचार की शिकायत आज भाजपा नेता हरीश खुराना व कपिल मिश्रा और नीलकांत बख्शी एसीबी कार्यालय पहुंचे, जहां पर तीनों ने शिकायत एसीबी मुखिया को सौंपी और एसीबी की ओर से घोटालेबाजों के ऊपर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी इनको मिला। हम तीनों एंटी करप्शन ब्यूरो में आए हैं अपना एविडेंस देने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए। दिल्ली में बच्चों के नाम पर, स्कूल बनाने के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है और ये घोटाला कॉमनवेल्थ घोटाले से छोटा घोटाला नहीं है। जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ घोटाले में एक डेस्क जो कि 2000 रुपये का मिलना चाहिए वो 20000 रुपये का खरीदा जा रहा था, एक कुर्सी स्टेडियम में लगने वाली कई गुना ज़्यादा दामों पर खरीदी गई थी, वैसे ही दिल्ली में स्कूल बनाने के नाम पर, आपको मैं बताता हूँ, एक स्कूल का कमरा 33 लाख रुपये में बन सकता है क्या? एक स्कूल का कमरा 55 लाख रुपये में बन सकता है क्या? 10 से 15 लाख रुपए में घर बन जाते हैं लोगों के। यहाँ एक एक कमरा 33 लाख रुपए, 55 लाख रुपए और एक जगह पर तो 67 लाख रुपए तक का एक कमरा सरकार ने बना के दिखाया है, जिसमें फर्नीचर भी नहीं डला हुआ, जिसमें कच्ची जो ऊपर टपरी लगती है वो लगी हुई है और 3-4 पंखे लगे हैं और कच्ची कमरा। तो कुल मिलाकर ये कम से कम 4000 करोड़ रुपए का गड़बड़ स्कूल बनाने के नाम पर किया गया है, बिना टेंडर के, बिना टेंडर इन्वाइट किए ठेके दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने खुद ही शिक्षा मंत्री के नाते पहले बोला कमरे बनाना, इस आदमी से कमरे बनाएंगे, फिर खुद ही पीडब्ल्यूडी के नाते किसको देना इसका कर दिया और खुद ही कमेटी, फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन होने के नाते उसको अप्रूव करने का भी ऑर्डर ले लिया। यानी कि एक आदमी ने सारे नियमों को वॉयलेट करते हुए, और इसीलिए बच्चों के नाम पर ऐसा पाप नहीं होना चाहिए था, छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा करप्शन नहीं होना चाहिए था, इसकी हमने शिकायत दर्ज कराई, शिकायत दर्ज करा चुके हैं, आज एविडेंस कराए हमने। हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सबूत जो है ये सीवीसी की रिपोर्ट है। सीवीसी की रिपोर्ट इतनी डैमेजिंग रिपोर्ट है, मुझे लगता है देश में किसी भी सरकार के खिलाफ अगर सीवीसी की ऐसी रिपोर्ट आती तो वो सरकार इस्तीफा दे देती। सीवीसी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बिना टेंडर कराए दिया गया है, कॉस्ट बढ़ाई गई है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ख़राब है। और मैं दोबारा से आपको कहता हूँ, आज आप ताज होटल का कमरा देख लो, ताज होटल में भी एक कमरा 33 लाख रुपए का नहीं बनता है। इन्होंने एक टूटा हुआ कच्चा कमरा स्कूल का 33 लाख रुपए की कॉस्ट दिखाई है। लेकिन लेकिन आज जिस तरीके से रेड्स हो रही हैं उस पर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है, मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि ये डर गए हैं, ये भयभीत हो गए हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा थ्रेट है इनके लिए और इसीलिए ये सब सारे षड्यंत्र रच रहे हैं चारों तरफ से। देखिए, बात होगी जो शिकायत है, जो एविडेंस है और जो किया गया है, इसके बारे में बात ना करके दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया बात करने को तैयार है। शराब घोटाले में भी यही कर रहे थे और आज जब कमरे के घोटाले की बात है, गुजरात की बात मत करो, दिल्ली में बताओ कि 33 लाख रुपए का कमरा कहाँ बनता है? मुख्यमंत्री निवास का कमरा भी 33 लाख रुपए का नहीं बन सकता, राष्ट्रपति भवन का कमरा भी 33 लाख रुपए का नहीं बन सकता। ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और इस बात की लड़ाई हम पिछले 2-3 सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज से 2 साल पहले आप सब लोगों को याद है कि हमने एक मुद्दा उठाया था स्कूलों के कमरों के घोटाले को लेके, और उसकी जो सीबीसी की रिपोर्ट है वो भी अभी कुछ दिन पहले आई है। हमने ये कंप्लेंट सीबीसी में भी की थी, हमने एसीबी में कंप्लेन की थी और हमने लोकायुक्त में कंप्लेन की थी। लोकायुक्त का जो मामला है वो ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को रेफर होके जाँच के लिए जा चुका है। आज हमें एसीबी ने एविडेंस देने के लिए और अपनी बयान देने के लिए हमें बुलाया था, जो आज हमने उनको सारे दस्तावेज सौंप दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो ये मनीष सिसोदिया जी और सत्यदत्त जैन जो स्कूल के कमरों के मामले में इस घोटाले में पाए गए हैं उन पर जाँच भी होगी, तेज़ी से जाँच होगी और जल्द से जल्द वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन एक बात तय है, एक बात तो प्रूव हो गई है कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। पहला हवाला कांड, उसके बाद शराब कांड, उसके बाद अब ये जो स्कूलों के कमरे का घोटाले का सामने आया हुआ है, ये तमाम ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है और हम चाहते हैं कि तमाम जो एजेंसियां हैं जो हैं जल्द से जल्द पे कार्रवाई करें। आज उसी के तहत हम यहाँ पे आए थे। एसीबी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद कपिल मित्रा ने बताया कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला 2010 में हुई कॉमनवेल्थ घोटाले के बराबर है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में बिल्डिंग बनाने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जो कमरा आमतौर पर हजारों रुपए में बनाया जाता है उसके लिए 30 से
67 लाख रुपए तक खर्च किए हैं। वहीं कपिल मिश्रा ने कहा कि इस तरह के महंगे कमरे ताज होटल में भी नहीं दिखाई देते, जितना पैसा दिल्ली सरकार द्वारा एक कमरा बनाने पर खर्च किया गया है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा पिछले 2 सालों से लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली सरकार ने इमारत व कमरे बनाने के नाम पर हजारों करोड़ों का घोटाला किया है, जिसको लेकर एसीबी की ओर से भाजपा नेताओं को जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से भाजपा लगातार दिल्ली सरकार के घोटालों को एक के बाद एक लगातार उजागर कर रही है। क्या जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी और दोषियों पर कार्रवाई उन्हें सलाखों के बीच भेजा जाएगा।